गाइस इतनी गंदी सिचुएशन आ रखी है ना यार, मैं क्या ही बताऊं यार। अरे पिछला 2 दिनों से मैंने एक भी हड्डी नहीं खाए, और पिछले 2 दिनों से मैंने एक भी चड्डी नहीं बदली। अरे यार तुम लोगों को हड्डी और चड्डी की पड़ी हुई है, यहाँ पर यार इतनी जोर से टट्टी लग रही है मुझे। अरे तो कर लो ना, क्या ही जा रहा तुम्हारा। वैसे भी अब तो हम रोड पे आ गए। क्या फ्रैंकलिन भैया, हमें कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, केवल आपकी वजह से। अगर आपने उस मोमो को आजाद नहीं किया होता तो फिर अभी हम आराम से अपनी चैन की जिंदगी जी रहे होते। हाँ सिंचन बिल्कुल सही बोला, एक तो हम पे पैसे भी नहीं है यार, मैं क्या ही बोलूं सिंचन, और ऊपर से लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते। अरे हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 सब्सक्राइब = 1 करोड़ रुपए। और गाइस अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी यार इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है यार, उस मोमो ने हमारा घर जला दिया, एक तो कुछ भी नहीं बचा अब अपने पास। अरे बचा है क्या? अरे तुम और कौन? हाँ एक काम करते हैं, आपको बेच आते हैं, फिर उसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम एक और घर बना लेंगे। अरे रहने दो सिंचन, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा इसकी ऐसी घटिया शक्ल में। अरे पागल हो क्या तुम, मैं कहीं का बंधुआ मजदूर थोड़ी हूँ जो तुम मेरे को बेचोगे। अरे लेकिन अब आपको बनना पड़ेगा, वरना हम पैसे कहाँ से लाएंगे। अरे यार पैसे जितने पड़े थे वो भी तो खत्म हो गए ना। अरे 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 देखो तो कौन लोग बैठे हैं यहाँ। ये देखो ये भी आ गया अब जली पे नमक छिड़कने। हाँ पहने वाले चुपचाप यहाँ से चला जाओ, वरना मुँह पे टट्टी कर दूंगा। तुम क्या मेरे मुँह पे टट्टी करोगे? अरे तुम क्या करने आए हो पेनीवाइज? मैं तो बस तुम्हें बचा हुआ खाना देने आया था। वो क्या कहते हैं ना, तुम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया, इसकी इतनी हिम्मत, ये तो हमें बिल्कुल ही भिखारी समझ रहा है अब। अरे सिंचन हम बन ही चुके हैं वो, ये देखो साइड में ये लोग भिखारी ही तो है, वो भी लॉस एंजेलिस के। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ तो करो। करूंगा सिंचन, अभी मेरे को बस एक ही काम करना है, हाथ में लेनी है गन और पेनीवाइज के बच्चे को फोड़ना है। ऐसा क्यों किया तुमने? अरे बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए कि तुमने हमें फालतू कैसे बोला। मैंने तुम्हें फालतू इसलिए बोला क्योंकि तुम हो ही फालतू। अभी तुम्हारे पास और कोई काम है भी करने को? अरे हाँ है ना, अभी मुझे 1.5 किलो टट्टी और करनी है। हाँ, और अभी मेरे को 1 किलोग्राम और पान मारना है। अरे इस काम को के काम भी बोलता है क्या, कैसे लोग हो तुम। फ्रैंकलिन मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम में दम है तो वापस से अमीर बन के दिखाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया इसने आपको कैसे चैलेंज दे दिया? या तो एकदम इम्पॉसिबल है। चल कोई बात नहीं, उसने हमें चैलेंज दिया ना, अब देख उस चैलेंज को कैसे पूरा करते हैं। अरे पर काम क्या करोगी? अरे बहुत ईजी है यार सिंचन, रोड पे जाके लोगों से काम मांगेंगे और क्या। अरे यार किस तरीके की बात हुई? अरे लोग कोई ना कोई काम तो दे ही देंगे ना, आधा चल कुछ भी काम कर लेंगे, अपने को बस पैसे से मतलब है। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, इससे अच्छा तो किसी की चड्डी ही चुरा लेते हम। अरे चलना सिंचन यार, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, और हर कोई आपकी जैसी घटिया शक्ल वाला नहीं होता। मेरी बेइज्जती क्यों मारते रहते तुम लोग? अरे क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है बेइज्जती मरवाने वाला। हाँ बिल्कुल सही बोला। अब तो गाइस अपनी इज्जत वापस लेके आनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा लोगों से काम मांगने के लिए, और कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा यार हमें। तो गाइस अब हम आ गए हैं लॉस सैंटोस की सड़कों पे, अब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, क्या पता कोई हमें काम दे दे। तो यहाँ पर एक बंदा जा रहा है, अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनो। ए चलना हट मेरे को काम करने का अपना। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हाँ सिंचन सही कह रहा है, किसी ना किसी को तो पकड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई तो काम करा ही लेगा यार हमसे। देख सिंचन सामने की ओर मेरे को कुछ लोग दिख रहे हैं, शायद वो हमें कोई काम दे दे। अरे किसी को कोई काम करवाना तो मैं अवेलेबल हूँ। अरे जा जा यार भिखारी लोग आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। अरे वाह गाइस फ्रैंकलिन भैया कितनी खतरनाक बेइज्जती के लिए सब्सक्राइब बनता है, जल्दी से कर दो। अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर तो कोई काम नहीं दे रहा। रुक यार इन दोनों से बात करता हूँ। अरे भाई आप मेरे को काम दे सकते हो क्या? क्या काम करेगा तू, यहाँ हमारे पास खुद काम नहीं, हम तेरे को क्या काम दे। अरे आदमी तो जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे छी कितनी घटिया शक्ल वाला आदमी है, जाओ यहाँ से। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ तो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। क्या करूँ यार मैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा गाइस हमें, ताकि हम पैसे कमा सके। अरे फ्रैंकलिन भैया इसका तो एक तरीका है। क्या तरीका है? एक काम करो आप डांस करो और मैं गाना गाऊंगा। अरे काम तो हमने पहले भी किया हुआ है ना, इसमें तो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, एकदम नचनिया लगोगे तुम। कहना क्या चाहता मतलब तू? अरे यही कि डांस करते हैं, वो भी बीच चौराहे पे। यार अब क्या ही करूं गाइस, ये तो करना ही पड़ेगा मुझे। चल ठीक है आजा सिंचन, यहाँ पर खड़े होकर करते हैं डांस। अरे एक सेकंड, चलो आज मुझे भी तुम्हारा मुजरा देखने को मिलेगा। क्या मतलब है तेरा मुजरे से? अरे कुछ नहीं डांस करो डांस। हाँ चल मैं करता हूँ डांस। चल ठीक है सिंचन, गाना तो गा यार तू। अरे ये लड़का पागल हो गया क्या? अरे बहन जी 2-3 रुपए दे देते आप तो चलता। यार चली गई वो ऐसी। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसे थोड़ी पैसे मिल जाएंगे, आपको थोड़ी देर तक स्ट्रगल करना होगा। हाँ यार चल ठीक है मैं नाच रहा हूँ, वैसे भी कोई दिक्कत आ नहीं है मुझे आसपास। अरे मैं गाना नहीं गा रहा ना इसलिए। तो गाना कब गाएगा तू, जब मैं थक जाऊंगा तब? अच्छा ठीक है गाता हूँ। अरे मेरी देखो मस्ते जवानी, फ्रैंकलिन भैया की जुबानी, कमरिया मटका रे नजर न लग जाए रे। अरे गाइस मेरे इतने खतरनाक गाने के लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो अगर अब तक नहीं किया तो। और हाँ चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अरे वाह सिंचन यार तेरे गाना गाने की वजह से लोगों की भीड़ आ गई। अभी एक सेकंड रुको। अरे आप सारे लोग खड़े होकर देख कर रहे हो, थोड़े बहुत पैसे तो दे दो, फ्री में डांस थोड़ी चलता रहेगा। इसके जैसे बंदर जैसी शक्ल वाले के लिए हम पैसे दे? अरे आपने खुद की शक्ल देखी है क्या? क्या बोला तुमने, मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। यार सिंचन ये क्या कर रहा है तू, कस्टमर को भगा क्यों रहा है, इनसे पैसे निकलवाने यार कुछ करो। अरे तो फिर एक काम करो आप रहने दो, आप मत नाचो बहुत मनहूस लग रहे हो। सच में क्या? और नहीं तो क्या, रहने दो। चल ठीक है तू कहता है तो ठीक है, मैं नहीं नाचूंगा तो कौन नाचेगा फिर। अब देखो फ्रैंकलिन भैया कैसे कमाते हैं पैसे। सुनो सारे लोग सुनो, आज मैं आपको दुनिया का एक अजीब कुत्ता दिखाने वाला हूँ। अजीब कुत्ता से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम चिंता मत करो चौक, तुम्हारी बेइज्जती नहीं मार रहा मैं। अरे हाँ दिखाओ दिखाओ, क्या दिखाओगे तुम? इधर
जरा चौप एक ट्रिक करके दिखाओ, जरा दोनों पैरों पे खड़े होकर नाचो। अरे तो मेरे लिए बहुत आसान है, तभी तो बोल रहा हूँ करो। कुड़ी तो चॉकलेट है, लेट है, लेट है, थोड़ी सी पग लेट है, लेट है, लेट है। अरे वाह कितना अच्छे तरीके से नाच रहा है ये डॉग। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ इसके लिए तो पैसे बनते हैं। हाँ सही बोला ये लो। हाँ चलो गाइस शिनचान ने थोड़े पैसे तो इकट्ठे करे। चलो बहुत मजा आया, क्या अच्छा नाचता तुम्हारा डॉग। अरे तारीफ करना शुक्रिया। वाह शिनचान, मैंने तो आज तुम्हारी वाली लाइन बोली। अरे हाँ चौप, ये तो कमाल की ही बात हो गई। चल शिनचान हमारे पास थोड़े बहुत पैसे तो आए। अरे ये हुई ना बात। अरे लेकिन फ्रैंकलिन भैया कोई ऐसा तरीका सोचो ना जिससे हम ढेर सारे पैसे कमा सके एक ही बार में। अरे आप क्या बैंक जाकर लूट लेगा वो। अरे वाह क्या आइडिया दिया यार तूने चौप। है अब सच में लूटोगे क्या बैंक? और नहीं तो क्या शिनचान, बैंक लूटने से ज्यादा बढ़िया चीज और कोई है नहीं। क्या बोला तुम लोगों ने, बैंक लूटोगे? बैंक लूटेंगे, भागो यहां से। रुको अभी पुलिस को बताता हूं। अरे एक फ्रैंकलिन भैया हमारे सीक्रेट्स तो लीक हो जाते हैं। अबे रोड पे खड़े होकर बात करेंगे तो यही होगा ना, अब इस बंदे को मारना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ सर पे देके मारो, वैसे ही टकला है। हाँ सही कह रहा, रुक इसकी ऐसी टैसी भाग यहां से। अरे भाई यही ना बात है, फालतू में फोन मिला रहा था। हाँ चल अब ठीक है, मैं करने वाला हूँ वो काम, बैंक लूटने चलते हैं। चल गाइस हम बैंक लूट के तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे, इस बात के लिए सब्सक्राइब बनता है, जल्दी से कर दो अगर अब तक नहीं किया है। तू वैसे एक बात बताओ फ्रैंकलिन भैया, अरे लेकिन हमें बताएगा कौन किस बैंक को लूटे? अरे इस काम के लिए एक बंदा है यार हमारे पास। कौन बंदा? अभी रुक कॉल करता हूँ उसे। अरे हेलो लेस्टर। हाँ फ्रैंकलिन कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया, बस आजकल थोड़ा दिक्कत हो रही है यार, बैंक नहीं लूट पा रहा क्योंकि तुम तो काम छोड़ के चले गए हो कब के। तो मेरा हाथ कोई बटाने वाला है नहीं, और नए बंदों को ढूंढता हूँ तो फिर कोई मिलता ही नहीं। अरे चिंता मत करो लेस्टर अंकल, आज फ्रैंकलिन भैया आ रहे हैं। हाँ लेस्टर मैं सोच रहा हूँ कि यार एक चोरी तो बनती है और। अरे सच में क्या, इतने दिनों से मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा। चलो तो फिर जल्दी से आ जाओ मेरे पास। हाँ मैं अभी आता हूँ एक मिनट में। चल शिनचान जल्दी से लेस्टर के पास चलते हैं। अच्छा चलो जल्दी से चलते हैं। रुक जा यार वेट करना पड़ेगा, कोई टैक्सी वाला है। अरे आप शायद भूल जाते हो कि मेरे पास एक जादू है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, चल तो फिर कर दे वही जादू। एक सेकंड रुको, पैदम पदोड़ी पद्दू। फाइनली पहुंच गए हम लेस्टर के घर के पास, मतलब उसकी फैक्ट्री के पास यार, यही घर है अभी उसका। चल अंदर चलते हैं, क्या पता कौन सा बैंक है उसके पास अभी, देखते हैं कि एक सेकंड ये रहा लेस्टर। अरे फ्रैंकलिन और बताओ क्या हाल? मैं तो बढ़िया तुम बताओ। है? अरे लेस्टर अंकल ये आपके बालों को क्या हो गया? मेरे बालों को? मैं तो शुरू से ही टकला हूं यार ऐसे। अरे क्या शिनचान यार, लेस्टर तो काफी समय से टकला है, जब से तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से टकला है वो। ओ ऐसी बात है क्या, मैं तो भूल ही गया था। अरे अरे कोई बात नहीं, चलो यार लेस्टर हमें बता दो कि कौन से बैंक में रॉबरी करनी है, अभी हम जाएंगे और करोड़ों रुपए के मालिक बन जाएंगे। हाँ वापिस से वही जिंदगी आ जाएगी, मैं फिर से 10,000 हड्डी एक दिन में खा पाऊंगा, और मैं भी कम से कम 10 पैकेट तो रोज खाऊंगा चोकोबी के। अरे हाँ चौप तेरे को भी मिलेगी 10,000 हड्डियाँ, और तेरे को भी 10 चोकोबी के पैकेट रोज के मिलेंगे। बस लेस्टर जल्दी से बता दो मुझे कि कहाँ पर करनी है बैंक रॉबरी। अरे 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 इतने भी खुश मत हो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन वो बैंक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अरे तुम चिंता मत करो, सारी मुश्किलों को झेल लेंगे। अरे लेस्टर अंकल बाकी बातें तो होती रहेंगी बाद में, पहले आप जल्दी से हमें ये बता दो कि हम कौन से बैंक को लूटने जाए। अरे अरे मैं बता देता हूँ तुम्हें, एक काम करो पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक है, वहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे रखे, तो क्यों ना तुम जाओ और वहीं पर चोरी करो। अरे वाह इसमें तो कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। अरे वो उसकी तुम चिंता मत करो। उसके चिंता मत करो तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम पुलिस से बच जाते हो, याद है ना पिछले 2 दिन जेल में काट के आए थे तुम? अरे हाँ चौप मुझे सब याद है, तो चिंता मत कर पुलिस के हाथ ही नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला, जल्दी से चलो। चल ठीक है आज चलते हैं चोरी करने। तो गाइस जैसा कि हम चोरी करने जा रहे हैं बैंक की तरफ, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए पड़ती है खतरनाक सी कार जो कि यहाँ पर खड़ी रहती है, ये देखो ये खड़ी। इसके अंदर जाएंगे और चुपचाप से उस बैंक के अंदर चोरी करके भाग के आ जाएंगे। चलो आप जल्दी से निकलें। हाँ चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से और सीधा चलते हैं बैंक की तरफ। आज तो फ्रैंकलिन भैया हो ही जाए, दिखा दो अपना पूरा टैलेंट। अरे वो टैलेंट नहीं टैलेंट होता है। अरे हाँ शिनचान आज तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें एकदम दिख जाएगा कि फ्रैंकलिन ही असली चोर है। ये हुई ना बात, चलो जल्दी से चलें। हाँ रुक जा मैं लेके चलता हूँ बैंक की तरफ। A few moments later. तो गाइस हम आ गए हैं बैंक के पास, लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे तो यार सबको पता चल जाएगा कि कौन आया है चोरी करने। अरे वही तो। तो चल ठीक है फिर आ जा जल्दी से, मैं भी मुंह पे मास्क पहन लेता हूँ, तू भी पहन ले। तो देख मैंने मास्क भी पहन लिया और एक बैग भी रख लिया अपने साथ, तू भी जल्दी से कर ले। अरे मैं तो केवल मास्क पहनूंगा और आपके पीछे पीछे रहूंगा। हाँ हाँ जो करना है कर जल्दी से कर। एक सेकंड रुको, ये लो ठीक है, देखिए मेरी नई कॉस्ट्यूम। अबे ये क्या बन गया तू? अरे कोई मेरे को पहचान भी नहीं पाएगा इससे। हाँ वो तो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन ये है क्या, ये क्या नमूना बन गया तू? चल ठीक है आ जा चलते हैं चोरी करने। ये देखिए तो बैंक का पीछे वाला गेट है जो कि मुझे लॉक लग रहा है। छोड़ यार पीछे वाला गेट बंद है, अब यहाँ से सीधा जाते हैं आगे की ओर और इधर पे मुड़ते हैं। चल आ जा अंदर चलते हैं चुपके से, देखते हैं कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर। तो गाइस एक सिक्योरिटी गार्ड तो यहाँ पर खड़ा है, अरे दूसरा उस साइड खड़ा है। अरे हाँ सही कह रहा है तू। अब देख शिनचान मैं तेरे को दिखाता हूँ कि कैसे मारते सिक्योरिटी गार्ड को। अरे हाँ जल्दी से दिखा।
दिखाओ। देख मेरे पीछे पीछे आ। सबसे पहले आराम से ये करना होता है, चुपके से जाना होता है और सिक्योरिटी गार्ड के सर पे खींच के ऐसे घुसा मारते हैं। अरे क्या सबको पता चल गया? अरे हाँ यार ये तो सही कह रहा तू, सबको पता चल गया यार। अगर किसी ने भी अब यहाँ पर अपनी आवाज उठाई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आज चल जल्दी से चोरी करते हैं इससे पहले कि यार पुलिस वाले यहाँ तक पहुँच जाए। अरे हाँ यार, सबसे पहले तो मैं इसे खोलता हूँ। इसके लिए मैं लेके आया हूँ अपने साथ सामान। अरे क्या लगा रहे हो? अरे बम लगा रहा हूँ जिसकी वजह से फट जाए। अब देख इन्हीं में से किसी ने अलार्म बजाया। अरे चलो ना मैं बताता हूँ किसने बजाया। लगता है शिनचैन ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे, किसी एक को तो मारना पड़ेगा। किसको मारे तू बता? अरे छोड़ो ना चोरी करते हैं, इनको मार के क्या ही फायदा होगा हमें। हाँ खैर तेरी बात में पॉइंट तो है, चला जा नीचे की ओर चलते हैं फिर, जहाँ पर रखा है सारा का सारा पैसा। चल जल्दी से फोड़ते हैं इसे भी। चलो जल्दी से फोड़ो। हाँ रुक जा, मैंने चिंगारी में आग लगा दी है, अब देख फटता है कि नहीं। हाँ फाइनली खुल गया ये वाला गेट, चला जा जल्दी से अंदर चले। अरे यार यहाँ पर तो हैकिंग करनी है, अब मेरे को लेस्टर को कॉल करना पड़ेगा। रुक मैं अभी कॉल करता हूँ उसे। अरे हेलो लेस्टर। अरे हाँ बोलो फ्रैंकलिन। अरे मैं ये कह रहा था यहाँ पर एक सेफ है, उसे हमें हैक करना पड़ेगा। अरे चिंता मत करो, वो फोन से भी हैक हो जाएगी, बस तुम्हें उसके पास जाना है और कुछ चीजों को मैच करना है, बस फिर वो हैक। अरे इतना इजी होता है क्या हैक करना? अरे लॉस सैंटोस से यहाँ पर कुछ भी इजी हो सकता है और कुछ भी मुश्किल। बिल्कुल सही बोला शिनचैन। अच्छा चलो ठीक है मैं करता हूँ हैक। तो पहुँचते हैं गाइस यहाँ पर, तो देखते हैं गाइस कि हम इसे हैक कर पाते हैं कि नहीं। तो इन लाइनों को करना है मैच, इसे भी और इस वाली को भी। फाइनली हैक हो गई। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया आप तो हैकर भी निकले। अरे अरे शिनचैन कोई बात नहीं, अब देख गेट भी खुल गया, अब जल्दी से अंदर चलते हैं और सारा का सारा पैसा लेकर के आ जाते हैं। जल्दी से यहाँ पर बम लगाता हूँ मैं, अब इसका भी जलने का इंतजार करते हैं और ये गेट खुल जाएगा। देख खुल गया ना, आजा चल खोलू जल्दी से। अरे भाई साहब यहाँ पर कैश की जगह तो सोना है यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी मैं उठाता हूँ और जल्दी जल्दी भरता हूँ। अरे थोड़ा और जल्दी करो। हाँ मैं कर रहा हूँ शिनचैन, चिंता मत कर तू, पुलिस वालों से तो हम बची जाएंगे। अरे हाँ भाई उम्मीद है बस। अब जल्दी से इस साइड वाले का भी मैं उठा लेता हूँ सारा सोना। चला जा अब चलते हैं यहाँ से, जल्दी से भागते हैं क्योंकि अब बाहर हमारा सामना होने वाला है पुलिस वालों से। अरे चिंता मत करो, पुलिस वालों को चकमा दे दूंगा मैं। कैसे? डायरेक्ट आपके पास स्पॉन हो जाएंगे। वो कैसे करेगा? पर अरे आप भूल जाते हो क्या, हमारे पास एक जादू है, अभी देखो करता हूँ, पादम पदोड़ी पद्दू। अरे भाई साहब हम तो यहाँ आ गए। अरे जल्दी से चलो इससे पहले कि पुलिस वालों को पता चल जाए कि हम यहाँ पर हैं। हाँ चल जल्दी से बैठ, अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ पुलिस। अरे एक सेकंड यार, सामने तो पुलिस वाले खड़े इतने सारे। अरे तो वहाँ पर क्यों ले जा रहे हो? हाँ रुक जा मैं साइड से ले चलता हूँ। और यार अभी अपने पास पूरे $4 million है। अरे भाई ये तो कमाल की ही बात हो गई। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ यार पुलिस वाले तो क्या खतरनाक चकमा खा के बैठे हैं, उनको अभी तक नहीं पता चला कि हमने चोरी करी है। अरे वो केवल मेरी जादू की वजह से। हाँ तेरा जादू है भी तो कमाल का। अरे एक सेकंड ये क्या, यहाँ पर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अरे ये तो यहाँ पर हमें खेड़ के खड़े हो गए। हाँ मेरे को लगता है ये लोग हमसे पूछताछ करने वाले यार। अरे चिंता मत करो, हम इनको हर चीज का गलत आंसर देंगे। हाँ सही कह रहा तू, आने दे इन्हें। ए तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अरे हम लोग अभी टॉयलेट से आ रहे हैं। अरे टॉयलेट से नहीं आ रहे हैं, हम यहीं पर थे पास वाले शहर में, अभी वहीं से आ रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं ना क्योंकि हम। अच्छा ये मुंह पे नकाब पहन के कौन घर शिफ्ट करता है, हमें उल्लू समझ रहे हो क्या? तुम ही हो ना जिसने अभी चोरी करी उस बैंक। अरे नहीं वो इनके हमशक्ल होंगे कोई। बताओ तुम सच सच बता रहे हो कि नहीं बता रहे, वरना अभी तुम्हें बताओ। अरे फ्रैंकलिन मैं तो कह रहा हूँ इन्हें बता दो। हाँ चुप, तू सही कह रहा है, इन्हें बताना ही पड़ेगा, इनको मारता हूँ गोली और इन सबके पास से निकलता हूँ मैं। अरे फ्रैंकलिन भी आप तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अरे पढ़ने दे, वैसे भी किसी को क्या ही पता चलेगा हम कौन है क्योंकि हमने नकाब जो पहना है। अरे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोली। अभी रुक देख कैसे बचता हूँ मैं इन लोगों से, अब भगना पड़ेगा हमें जल्दी से। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ ज्यादा पुलिस वाले पीछे नहीं पड़ गए? हाँ शिनचैन सही बोल रहा है यार, अब कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं लेस्टर को कॉल कर दूँ। अरे हाँ वो तो पुलिस वालों को जानते हैं ना, वो शायद हमारे ऊपर से पुलिस वालों का पीछा छुड़ा दे। लगता है वही करना पड़ेगा, चल जल्दी से कॉल मिलाता हूँ लेस्टर को। अरे हाँ फ्रैंकलिन बोलो। अरे लेस्टर मैंने चोरी तो कर लिया लेकिन यार पुलिस वाले हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। ओ ऐसा है क्या, रुको मैं कुछ करता हूँ, अभी पुलिस वाले हट जाएंगे। हाँ जल्दी से करो यार जो भी करोगे। यार देख शिनचैन तीन तीन गाड़ियां पीछे लगी हुई है यार। अरे शिनचैन देख यार पुलिस वाले वहीं पर रुक गए। अरे इसका मतलब हम बच गए। हाँ मुझे भी वही लग रहा है क्योंकि हमारे ऊपर से स्टार्स भी तो हट गए ना। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, लगता है पुलिस वाले हट गए। चल कोई बात नहीं, अब मैं अपना घर वापस से रिपेयर करा लूंगा, तब तक हम लमार के पास चलते हैं। अरे हाँ जल्दी से चलो। चल ठीक है मैं चलता हूँ, अब पता नहीं यार लमार क्या क्या बोलेगा। अरे उन्हें बताना ही मत कि हम क्या करके आए हैं। हाँ सही कह रहा है, ऐसा बोल दूंगा कि इस बैग के अंदर कुछ कपड़े हैं। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। अरे तू भी तो अपने कपड़े पहन ले यार नॉर्मल। अरे हाँ एक सेकंड रुको पहनता हूँ, ये लो अब ठीक है क्या? हाँ आप सही है, चला जा चल अंदर चले, मैं भी अपना मास्क उतार देता हूँ। हाँ आप ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से अंदर। हाँ चल यहाँ पर आ गए, अब जल्दी से अंदर चलता हूँ। अरे कहाँ पर हो लमार के बच्चे, लगता है कि ये सो रहा है। अरे आप बोलोगे तो मैं इन्हें उठा दूंगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन शिनचैन से बोल दो उठा देगा। हाँ शिनचैन चल ठीक है तू उठा दे, मार दे इसके मुंह पे पार। अरे तो मेरे पैर पे छोड़े का खेल है, एक सेकंड रुको ये लो। अरे 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 इतनी गंदी बदबू यार, मैं तो मर गया रे। ओ कौन है यहाँ पर? अरे मैं यार लमार। ये क्या तरीका होता है आने का, पूरी की पूरी नाक के बाल चल गए। वैसे यहाँ पर किस लिए आ गए अब तुम? अरे आप भूल गए क्या कि हमारे पास घर नहीं है अभी। हाँ यार मैं वो घर को रिपेयर करवा रहा हूँ अभी, तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास रुकना पड़ेगा मुझे। अच्छा चलो ठीक है रुक जाओ कोई बात नहीं। हाँ चलो किसी काम तो आया आप। क्या मतलब है इस बात का? अरे कुछ मतलब नहीं है, चल शिनचैन फाइनली आज हमारे पास पैसे आ गए। अरे लेकिन किया क्या तुमने ऐसा? अरे वही जो हम हमेशा करते हैं। क्या बैंक में डाका डाला है क्या? हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। चल शिनचैन अब हमारे पास पूरे 10,000 करोड़ रुपए आ गए हैं, अब हम अपने मन चाहे घर में रहेंगे। अरे
शिखर को ठीक करा लूं। हाँ हाँ वही कराऊंगा यार मैं, और तगड़ी तगड़ी कार्स खरीदेंगे। अरे हाँ वो तो करना ही है। हाँ चलिए सब तो ठीक है, अब तेरे को कुछ बोलना है लोगों से? हाँ कैसे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और आज भी मैं करूंगा 30,000 लाइक्स का, मुझे पता है हमेशा की तरह इसे भी पूरा करवा दोगी, तो प्लीज इसे भी जल्दी पूरा करवा देना। और हाँ अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर इन दोनों पर फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तो गाइस मैं फिर से मिलूंगा आपसे किसी ऐसे खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ, और फिर से किसी खतरनाक से बैंक के अंदर रॉबरी के साथ। वैसे आज इतना दिनों बाद रॉबरी करके कैसा लग रहा है? अरे क्या बताऊं जॉब, मेरा पूरा का पूरा पेट हल्का हो गया। पेट कैसा हल्का हो सकता है किसी का?